अच्छा नाउ पहले दो रेशियोज पढ़ लेते हैं फिर बाद में आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। फर्स्ट वन वी आर स्टडी टाइम रेशियो, उस पर क्वेश्चन रखा है मैंने, बहुत सिंपल है, वो कर लेते पहले। तीन पार्ट में डिवाइड कर देना आपको क्वेश्चन को, डेट ऑफ कमेंसमेंट और डेट ऑफ परचेज। क्वाइट पॉसिबल कि एक कंपनी आके दूसरे कंपनी को परचेज कर रहा है और उसको इनकॉर्पोरेट कर रहा है, क्वाइट पॉसिबल। या फिर एक लिमिटेड कंपनी पहले से है, ये लिमिटेड कंपनी पहले से है, ये कंपनी इसको परचेज कर रहा है, तो कॉमन सेंस है, ये थोड़ी उसके नाम पे रन करेगा, अपने नाम पे रन करेगा, तो उसको ये नाम पे कन्वर्ट करने के लिए भी तो टाइम लगेगा ना बॉस। डेट ऑफ परचेज पक्का, वंडरफुल। तो पहला आएगा डेट ऑफ परचेज, फिर वो अपने नाम पे इनकॉर्पोरेट हो जाएगा, तो कहना इसे डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। डीओसी या डीओआई, आई डीओआई डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एंड ईयर एंड ऑफ कोर्स, कि भाई आप कब तक अपना अकाउंट्स मेंटेन करने वाले हो, ईयर एंड क्या है भाई मेरा। दिस क्वेश्चन कैन कम फॉर एज ए 12 मंथ्स, इट कैन कम फॉर 9 मंथ्स ऑल्सो, क्वेश्चन तो 3 महीने 5 महीने का भी हो सकता है, कि मैंने बिजनेस चालू ही किया और खुद डायरेक्टली इनकॉर्पोरेट करवा लिया। द क्वेश्चन कैन कम ऑफ 12 मंथ्स, 14 मंथ्स, 9 मंथ्स, एनी नंबर ऑफ मंथ्स। अपन चालू करें भाई, चलो लेट्स प्रोसीड। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन टाइम रेशियो का रखा है मैंने, बहुत सिंपल है, डायरेक्टली क्वेश्चन उठाते हैं। लुक दे हैव सेड महेश लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 31st of March 2013, वॉज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1st of March 2013, सॉरी ऑन 1st of March, मतलब डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मालूम है तुम लोग क्या है, 1st March 2013, है ना। नेक्स्ट, टू अक्वायर अ टिम्बर मर्चेंट्स बिजनेस एज फ्रॉम 1st January, मतलब जनवरी से उन लोग पीछे लग गए कि भाई इनकॉर्पोरेट करो, तो ऑन 1st January 1, 1, 13 विल बी द डेट ऑफ परचेस। नेक्स्ट बॉस, द परचेस कंसिडरेशन वॉज अग्रीड एट 6 lakhs टू बी सेटिस्फाइड बाय द इश्यू ऑफ 30,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एंड 3,000 6% डिबेंचर ऑफ 100 ईच। ओके, उसमें टाइम रेशियो में क्या लिंक है, नहीं ठीक है। Then they have said the following trial balance for in trading account and the penal account for the year end 31st December 13. मतलब boss यहाँ पे year end है 31st December 13. तो ये जो duration है ना pre और ये जो duration है ना वो post, मतलब यहाँ पे जो incorporate हो गया ना तो इसके बाद में company, तो उसके पहले company नहीं था तो वो क्या हो जाएगा pre, ये क्या हो जाएगा post, समझा जा रहा है आपको दिमाग में जा रहा है। चलो तो यहां पे कितना महीना होगा, जैन फेब मार्च नो, फर्स्ट मार्च बोला है भाई उसने, तो जनवरी और फेब्रुअरी दो ही महीना आएगा, एंड उसके बाद में आगे का मार्च टू दिसंबर विल बी 10 मंथ्स, 12 महीना होता है ना एक साल में, दो वहां पे चला गया तो यहां पे कितना आएगा, सो द रेशियो वुड बी प्री आई सी एंड पोस्ट आई सी, यहां पर आएगा 2:10, सो कैन आई से 1:5 फर्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 1 इज डन, कॉपी कर लो इसको। हो गया ना, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, कहां पे क्या बोला है उसने, यहां पे वहां पे देखो मैंने नेम भी किया सेल्स रेशियो, ऐसा लिखा भी है वहां पे, टाइम रेशियो सेल्स रेशियो नीचे। चलो क्वेश्चन नंबर 2, किड क्राफ्ट लिमिटेड एक्वायर्ड अ बिजनेस ऑफ अ फर्म विथ इफेक्ट फ्रॉम 1st ऑफ अप्रैल 13
ओके okay, मतलब इसने अक्वायर कर लिया द फर्स्ट वाला आइटम अक्वायर वाला परचेस वाला. द कंपनी वॉज रजिस्टर्ड ऑन 1st August. अक्वायर कभी किया? अप्रैल में. 4 महीने लग गया. इट वॉज डिसाइड ऑगस्ट ना तो 4 महीना. इट वॉज डिसाइड इट रिसीव्ड सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस ऑन 1st of January 2013. ठीक है, मतलब बिजनेस चालू करने का. सी, याद रखना, पब्लिक कंपनी फॉर्म कर रहे हो तो 2 सर्टिफिकेट मिलता है, डेट ऑफ कमेंसमेंट, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन. प्राइवेट कंपनी फॉर्म कर रहे हो, कमेंसमेंट, भाई बिजनेस तू कर, तुझे जितना करना है कर यार, कर बिंदास कर, खाली डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन. यहाँ पे सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, यहाँ पे दो होता है, कमेंसमेंट भी और इनकॉर्पोरेशन भी. या अपने लॉ में पढ़ा ही होगा, याद ही होगा आप लोगों को, बट अगर नहीं पता है तो ये है. तो ये दे फॉर्मिंग ए पब्लिक कंपनी. इट्स मंथली सेल्स डबल्ड फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन. चांदी हो गया ना, अच्छा इनकॉर्पोरेट कर रहा है, डबल हो गया भाई. मतलब जब भी इनकॉर्पोरेट हो गया ना अगस्त में, पहले अगर 10 रुपए कमाता था ना, अभी वो 20 रुपए कमाता है. पहले 100 रुपए कमाता था, अभी तो उसका 200 रुपए कमाता है. डबल्ड हो गया भाई, डबल्ड. इट्स सेल्स, इट्स मंथली सेल्स फ्रॉम द डेट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस वर 3 times द मंथली सेल्स ऑफ द प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड. क्या हुआ मालूम है यहां पे? कि ऑन 1st December दे गॉट द सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट, बिजनेस ऑफ कमेंसमेंट को मिल गया. तो ऑन 1st January से 1st December से उसका सेल्स ट्रिपल हो गया. ट्रिपल मतलब पहले उसका नॉर्मल बिजनेस था, 1 रुपए कमाता था, जैसे इनकॉर्पोरेट हुआ ना भाई डबल हो गया, और जैसे कमेंस हुआ ना ट्रिपल हो गया. जा रहा दिमाग, मालूम पड़ रहा है आप लोग को? टू गुड. ऑफ द सेल्स ऑफ द ऑफ प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड, फाइंड आउट द सेल्स रेशियो फॉर द प्री एंड द पोस्ट पीरियड फॉर द ईयर एंड 31st March 2014. चलो फाइन करते हैं. मतलब अपने को चलना है अप्रैल से और जाना है मार्च तक. सेल्स रेशियो क्वेश्चन नंबर 2. अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च. यहां पे प्री और पोस्ट का डिवीजन हो जाएगा. ये प्री है, ये पोस्ट है. ऊपर आप नेम भी कर दो चाहिए तो, प्री एंड पोस्ट. हर बार मैं प्री पोस्ट में नेम नहीं करते बैठूंगा, डायरेक्टली आई सॉल्व द क्वेश्चन इन दिस वे. अभी ऑन 1st December यहां से भी कुछ पार्टीशन है, देखो कैसे करना है अपने को. अगर प्री में अगर मैं बोलूं कि सेल 111 है, तो इनकॉर्पोरेशन के बाद में वो डबल हो गया, तो मैं बोलूं इसका डबल, दैट इज 2222. इसका डबल ना. अच्छा, और उसने क्या बोला, फ्रॉम 1st December इट वॉज ट्रिपल द अमाउंट इन द प्री आईसी. मतलब यहां पे वो ट्रिपल हो गया, 3333. यहां पे कमेंसमेंट का उसको मिला ना, तो यहां पे ट्रिपल हो गया भाई. तो नाउ इफ यू वांट टू कैलकुलेट व्हाट इज योर सेल्स रेशियो, तो 1 2 3 4. नाउ इफ यू वांट टू कैलकुलेट व्हाट इज द पोस्ट का, तो क्या करना है मालूम है तुमको? 1 2 3 4. सो 2 × 4 = 8. इसका करो 1 2 3 4. एक मिनट, ये अलग क्वेश्चन था ना, मैं वही बोलवा रहा हूं, 2 and 10 था. ये अलग क्वेश्चन है भाई, डोंट गेट मिक्स्ड अप. यहां पे 1 2 3 4, सो 3 × 4 दैट इज 12. सो कैन आई से 20, एंड यहां पे तो 4 है.
इसका वन है ना, फोर टाइम्स, इसका फोर है, इसका 20 है. सो कैन आई से माय सेल्स रेशियो इज 4:20, दैट इज 1:5. सेम आया उसके ऐसा, बट ठीक है, मालूम पड़ा, लॉजिक समझा, पक्का कॉपी. क्वेश्चन नंबर थ्री, थोड़े बहुत रखा है मैंने सेल्स रेशियो को, थोड़ा टाइम लगता है समझने के लिए, तो दो तीन क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे रखा है. चल, दे हैव सेड दैट टोटल सेल्स ड्यूरिंग द ईयर विच वाज अमाउंटेड टू 96 लाख. टोटल सेल्स कितना है? 96 लाख. अरोज इवनली अप टू द डेट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन. मतलब इनकॉर्पोरेशन नॉर्मल चल रहा था, मस्त वाला. Whereafter, they sprouted to a record increase of 2/3. मतलब अगर पहले मैं 1 कमाता था ना, 1, तो अभी बता क्या हो रहा है, 1+2/3 हो गया. अब 2/3 ऑफ 1, पहले इतना कमाता था, अभी 2/3 इंक्रीज हो गया, तो 1 का 2/3 आंसर 2/3 आएगा ना, तो 1+2/3 हो गया. समझा? कभी इनकॉर्पोरेशन के बाद में, ड्यूरिंग द रेस्ट ऑफ द ईयर. ओके, तो मैं क्या करता हूं ना, मैं बॉस मैं यहां पे वन नहीं, यहां पे वन नहीं लेता, मैं यहां पे वन अज्यूम नहीं करता, मैं यहां पे है ना वन की जगह पे मैं 3 अज्यूम करता हूं. तो इंक्रीज भी क्या होगा, 2/3 ऑफ 3, 3 कैंसिल हो गया, हटाओ, तो मेरा 3+2 दैट विल बी 5. तो मेरा प्री में 1 की जगह पे मैं ले रहा हूं 3, तो पोस्ट में क्या आ जाएगा, 5. नहीं समझा, ऐसा नहीं, मत करो. पहले आपको 1 था, फिर क्या हो गया, 2/3 इंक्रीज हो गया, तो कॉमन सेंस है 2/3 1 का इंक्रीज होगा ना, तो यहां पे क्या हो जाएगा, 1+2/3. फिर यहां पे आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, आपने एलसीएम लिया तो आपको आंसर आया 3+2/5, 3+2/ डिनोमिनेटर में 3 है, फिर आपको क्या मिला, 5/3. फिर आप क्या करोगे, प्री में तो मेरे को 1 मिला, पोस्ट में मेरे को 5/3 मिला, फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, रेशियो निकालना पड़ेगा, फिर इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. मैथमेटिक्स क्यों करना है भाई, आपको अच्छा लगता है? मेरे को तो नहीं अच्छा लगता, सीरियसली बोलता हूँ. तो मैं इसके लिए शॉर्टकट क्या निकालना है मालूम है, मैं ये करता ही नहीं, मैं ये करता हूँ. समझा? मैं डायरेक्टली ऐसे सॉल्व करता हूँ, मैं ऐसा करता ही नहीं. अभी मैं उसको डायरेक्टली कैसे करूँगा वो देखो. नाउ अभी आप इंफॉर्मेशन पढ़ो यहाँ पे क्वेश्चन में, सेकेंड पैराग्राफ में क्या दिया है, Messrs. Everfresh Limited was formed to take over a running business with effect from 1st of April 12. मतलब take over कर रहे 12 से. The company was incorporated on 1st of October 12, and the following profit loss of account has been given to you for the year end 31st March 13. एक simple भी बताओ तुम लोगों को. 3 dates दिए ना अपने को, उसमें अपने को pre find करने गए और post find करने गए, right? प्री आई सी एंड पोस्ट आई सी. अर्लीएस्ट डेट को यहां पे लिखने का, क्या है अर्लीएस्ट डे, 1st अप्रैल. लास्ट डेट को यहां लिखने का, 31st मार्च. और बीच वाले डेट को बीच पे लिखने का, 1st अक्टूबर. हो गया ना यार अपना, ये अपने को प्री मिल जाएगा, ये अपने को पोस्ट मिल जाएगा, शॉर्टकट. सोचना ही नहीं कुछ,
कि भाई डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या है, डेट ऑफ ये क्या है, डेट ऑफ ईयर एंड क्या करने का, देखो ऐसे करना फर्स्ट सेकंड थर्ड डे। हाँ बट जैसे एप्लीकेबल ही सिंपल काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर कमिंग, आगे के क्वेश्चंस में हम लोग को थोड़ा कॉम्प्लिकेशन आ सकता है, तो मैजिकली हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। तो मेरे को प्री का मिल गया, पोस्ट का मिल गया। हैव अ लुक, प्री में क्या आएगा, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, ऐसा हो जाएगा वो। तो मैं क्या करता हूँ मालूम है, ये प्री है ये पोस्ट, ऐसे डिवाइड कर दिया मैंने प्री एंड पोस्ट। अच्छा मैंने क्या बोला, यहाँ पे मैं क्या अज्यूम करने वाला हूँ, थ्री, वन अज्यूम नहीं करना है, क्या अज्यूम करूंगा मैं, थ्री। और यहाँ पे मैं अज्यूम, यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा मेरे को, फाइव। कैसे, थ्री प्लस टू थर्ड मल्टीप्लाई बाई थ्री, इनके तो थ्री का ही होगा ना, थ्री थ्री कैंसिल हो गया, फाइव आ गया ना मेरे को, सिंपल। अच्छा यहाँ पे थ्री 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 थ्री, सर अब इतनी बार क्यों लिख रहे, क्योंकि तो एक मंथ का है ना, अपने पास कितने सारे महीने हैं। नेक्स्ट यहाँ पे भी फाइव 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 फाइव, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, यहाँ पे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, तो रेशियो क्या बना, मना बना मेरा 18 इज टू 30, 6 थ्री जा एंड 6 फाइव जा, अल्टीमेटली आपको आंसर 3 टू 5 आया। बट हर बार ऐसा आंसर नहीं आएगा सर, क्यों मालूम है, क्योंकि यहाँ पे 6 महीना 6 महीना आ रहा है। अगर आपको यहाँ पे 4 महीना यहाँ पे 8 महीना होता ना, तो आपका आंसर ये कभी नहीं आता, नेवर। तो जा रहे, तो हम लोग को ऐसे ही फॉर्मेट में करना है। आप ये सर इतना क्यों मेहनत करा रहे हो बार बार लिखने का, लिखना है अपने को ऐसे ही, जाना लॉजिकल जाना है, दिस इज लॉजिकल वे। आर यू गेटिंग दैट थिंग्स, पक्का। तो रेशियो क्या बना अपने को यहाँ पे 3:5। और एक दो क्वेश्चन करते हैं एंड देन बाद में हम लोग बड़े बड़े क्वेश्चन पे आ जाएंगे, इसको कॉपी कर लो आप। रब करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, आई विल रिक्वायर दिस, आई डोंट रिक्वायर द डेट्स। क्वेश्चन नंबर 4, चलो उसके नीचे दिया होगा, लेट्स रीड। ए लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड ऑन फर्स्ट ऑफ 7, मतलब कि जुलाई फर्स्ट 7 को वो इनकॉर्पोरेट हो गया, फर्स्ट 7 ना, तो 7 यहां पे पोस्ट यहां से प्री 12 टू टेक ओवर द बिजनेस ऑफ बी लिमिटेड विथ इफेक्ट फ्रॉम 1/4/12, मतलब यहां से वो चालू होगा, ओके अप्रैल से। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन वॉज मेड अवेलेबल फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 13, मार्च मतलब साल, वन ईयर का इंफॉर्मेशन दिया है आपने। ये क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है, एवरेज मंथली टर्नओवर फ्रॉम सेप्टेंबर ऑनवर्ड्स वॉज डबल्ड, सेप्टेंबर ऑनवर्ड्स वॉज डबल्ड, मतलब अगर ये 1 है तो ये 2 हो जाएगा, यहां से 2 हो जाएगा, ये अगर 5 है तो ये 10 हो जाएगा, डबल हो गया वो डायरेक्ट, ठीक है। हाउएवर नहीं, डबल्ड देन द एवरेज टर्नओवर फॉर द फर्स्ट 4 मंथ्स, हाँ मतलब ये वाले फर्स्ट 4 मंथ्स की बात कर रहे हैं, मतलब यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे जो था उसका डबल हो गया फॉर द फर्स्ट 4 मंथ, मतलब इसका इंफॉर्मेशन इसका इंफॉर्मेशन इसका इंफॉर्मेशन इसका इंफॉर्मेशन दे दिया, इसका अभी तक इंफॉर्मेशन दे ही नहीं रहे, आगे क्या बोल रहे हैं, हाउएवर अगस्त ईयर अगस्त 12
The turnover was 150% of the turnover in the following month, that is September. यहाँ पे देखो, अगर ये 100% है ना, 100 है ना, ये तो 200 है. ये 100 है, तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ से 200. But only in August, it is 150% of September. नहीं समझा? एक बार फिर से read करो. Average monthly turnover from September onwards was doubled. मतलब यहाँ से है ना? इसको रब करो भाई. यहाँ से हट जाओ तुम. जुलाई, अगस्त, सितंबर. यहां से ये प्री है, ये पोस्ट है, राइट? फर्स्ट मंथ, सेकेंड मंथ, थर्ड मंथ, फोर्थ मंथ, ये चार का इंफॉर्मेशन हमने को दे दिया. इसका डबल हो रहा है फ्रॉम सितंबर. एंड दे सेड बट हाउएवर इन अगस्त द टर्नओवर वाज 150% ऑफ द फॉलोइंग मंथ, दैट इज सितंबर. मतलब सिर्फ अगस्त में है ना 150% था किसका? ये मंथ. तो इफ आई अज्यूम अप्रैल टू बी 1111, डबल का भी हुआ सितंबर से, तो 2 2 2 2 2 2, और अगस्त में इसका 150%, 2 का 150% इज 3, हो गया. समझा? ओनली द सेल्स रेशियो जो है ना वो थोड़ा ट्रबल में की. अगर उसको क्रैक कर लिए ना आप लोगों ने, समझो क्वेश्चन खत्म हो गया. आ जाएगा, सब कुछ सिंपल है. यहां पे क्या हो जाएगा? 3 1 2 3 4 5 6 7, 7 2s are 14 15 16 17 18. So the ratio is 1:6. Question number 4. Are we getting it? Pakka. Copy this much. They can ask you in your objectives or objectives also. Objectives mein 2-4 mark ka pooch sakta hai aisa. This basically this question is taken from the boards only. Ye board ki questions hai. Copy. The next question, question number 5. Let's start. Siddhant Limited took over the business of Mrs. Amit and Sons with effect from 1st April 12. Matlab April se usne uska company utha liya. Sahi hai? Siddhant Limited was registered on 1st September. Matlab kya? Ki September ko wo register ho raha hai. Matlab pre chalu hoga April se. IC matlab incorporation. अप्रैल चालू हो रहा है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर. इट गॉट रजिस्टर्ड ऑन 1st सितंबर. यप, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर. एंड ईयर एंडिंग अपना कितना हो रहा है? दे आर गिवन अस मार्च, जैन, फेब, मार्च. य एंड डन. हाँ, ये क्वेश्चन मस्त है. The trend of the sales during the year April 12 to March is given to you. Trend diya aapne ko yahan pe question mein. Have a look. April and May they have said 8500 per month. April and May 8500 per month. June and July 10500 per month. So 10500 per month. अगस्त एंड सितंबर, तो यहां पे आएगा 12000 इंटू 1, यहां पे आएगा 12000. अक्टूबर नवंबर 12, तो अक्टूबर एंड नवंबर यहां पे 1, अक्टूबर एंड नवंबर नवंबर में 14, एंड दिसंबर ऑनवर्ड 15000. सो दिसंबर, जैन, फेब, मार्च,
सो 15,000 मल्टीप्लाई बाई 1, 2, 3, 4 ऐड कर दो 8.5 का डबल 16 और 1 17 1 lakh. So the ratio is 1:2. Khatam. मतलब ये अपने को सेल्स रेशियो तो फाइंड करना ऑलमोस्ट आ गया है. ईच एंड एवरी क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन और वट एवर यू डू विल बी डिफरेंट. एक्सपेक्ट करना ही नहीं. हाँ, बट द ट्रेंड, द फैशन, द स्टेप्स वो क्लियर है. ठीक है, सो एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं, नॉट ऑफ फॉर दिस एंड देन विल सर्व द प्रैक्टिकल क्वेश्चन. बड़े बड़े क्वेश्चन उठाते हैं, मजा आएगा फिर करने. आप पहले इसको कॉपी कर लीजिए. आई गेस क्वेश्चन नंबर 6 साथ में छपा नहीं है या है, आई हैव नो आइडिया अबाउट इट. अगर आप लोग के बुक में आपको क्वेश्चन दिख रहा है, गुड. नहीं दिख रहा है, यहाँ से आप कॉपी कर लेना, उसको पॉज करके आप कर लेना, बाद में कॉपी मैं रीड करता हूँ. क्वेश्चन नंबर 6, दे हैव गिवन यू द एक्सट्रैक्ट ऑफ पीएनएल अकाउंट. बहुत सिंपल है वैसे, ये इंटरेस्ट ऑन वेंडर्स करके आता है, एग्जाम में ऑलमोस्ट दे आस्क यू. लॉजिक वेरी सिंपल. दे हैव सेड पीएनएल अकाउंट इज गिवन टू यू, एक्सपेंसिस के साइड पर आपको देंगे इंटरेस्ट टू वेंडर्स, मेंशन करेंगे वेंडर्स इंटरेस्ट मेंशन करेंगे, एंड अमाउंट इज 6,000. यहाँ पे एडजस्टमेंट में आपको दे दिया है प्री आईसी पीरियड. यहाँ पे ले लो ईयर एंडिंग में 31 मार्च. प्री आईसी पीरियड इज अप्रैल टू जुलाई, मतलब कि अप्रैल में जून जुलाई 4 मंथ्स अपना जाएगा प्री आईसी में, तो बाकी सब किस में जाएगा, पोस्ट में जाएगा. एंड द वेंडर्स अकाउंट वॉज सेटल्ड ऑन 1st October. तो यहाँ पे हम लोग पहले सोल्यूशन में बनाएंगे कैसे. हाउ आर यू गोना सॉल्व दिस. अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च. इतना लंबा की जरूरत तो वैसे भी है नहीं. जून तक, जुलाई तक है राइट. तो यहाँ पे मेरा प्री हो जाएगा, ये मेरा पोस्ट हो जाएगा. दिस इज माई प्री आई सी, दिस इज माई पोस्ट आई सी. ठीक है. नाउ वॉट दे हैव सेड कि अकाउंट वॉज सेटल ऑन 1st October, मतलब इसके बाद में इंटरेस्ट तो मैं दूंगा ही नहीं. क्यों दूंगा भाई मैं इंटरेस्ट, मतलब फ्रॉम सेप्टेंबर या टिल सेप्टेंबर, सेप्टेंबर का महीना इंक्लूड करके हम लोगों ने इतना इंटरेस्ट दिया है. अच्छा, इंटरेस्ट फिक्स एक्सपेंस है, यस. तो 6,000 विल बी एक्चुअली डिवाइडेड